दरअसल रैली में शामिल लोगों का कहना है कि उनकी रैली धारावी से होकर निकल रही थी, पर कुछ लोगों ने अचानक रैली पर हमला बोल दिया, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए। रैली में शामिल सागर भाले राव ने आरोप लगाया कि रैली पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें रैली में शामिल कई लोग घायल हो गए। शाम को सभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के सभी संगठनों ने शांततापूर्वक निषेध मोर्चा निकाला था, जो शांति से लगभग ख़त्म होने वाला था, लेकिन एक जगह पे एक घर में कुछ लोग आरएसएस के लोग प्लानिंग करके लाठियाँ लेके बोलते हैं कि वो उनका ऑफिस ही है, तो पूरी तैयारी में थे और हमारी महिला लड़कियां और पुरुषों के ऊपर उन्होंने काठियाँ और लाठियों के साथ अचानक हमला चढ़ाया। स्टूडेंट्स के ऊपर लड़कियों के कपड़े भी छीनने की कोशिश हुई, खरोंच आई है, उनका मेडिकल भी हुआ है। ये सब हमारे पुलिस अगर बीच में नहीं आती तो रियली पुलिस ने हमको हेल्प किया, उनको कंट्रोल किया, इसलिए ये सब हुआ। लेकिन ये सब प्री प्लान था, जो इंसिडेंट के लिए हम सब ये रास्ते पे उतरे थे निषेध करने के लिए, उसका भी मृत्यु ऐसे ही हुआ है। अगर अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ इस देश में ऐसे ही अगर सलूक होते रहा तो न्याय हमें कौन देगा? अच्छा है कि यहाँ पे इंडिया में संविधान है, संविधान की वजह से अभी एट्रोसिटी का भी कलम उन पे लगाया गया है। मारपीट के इस मामले के तूल पकड़ते ही धारावी के बीजेपी के कई स्थानिक नेता मौके पर पहुंचे। पूछे जाने पर उन्होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हमले की बात नकार दी और सीधे नेशनलिस्ट फोरम पर आरोप लगाया कि रैली में षड्यंत्र रचा गया है। आरएसएस दफ्तर को टारगेट करने की प्लानिंग रैली के माध्यम से रची जा रही थी और रैली में शामिल लोगों ने कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि इस मारपीट में आरएसएस के 4 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सायन अस्पताल ले जाया गया। ये पूरी तरह झूठ बात है, एक बड़ा षड्यंत्र इस रैली में किया गया है। ये षड्यंत्र अगर आपने कल मुंबई में देखा होगा, कल एबीपी के कार्यालय पर हमला हुआ, आज इसके बाद आरएसएस के धारावी के कार्यालय पर हमला करने का, हमारे कार्यकर्ताओं के घर पर जाके हमला करने का षड्यंत्र किया गया है और बाकायदा पुलिस ने परमिशन नकारा हुआ है। 26 जनवरी की वजह से हाई अलर्ट है, इसके होने के बावजूद भी इन्होंने रैली निकाली और वो रैली को इन्होंने रॉड, तलवार और बाकी हथियारों को लेकर रैली किया है। ऐसी रैली हमने कभी भारतीय राजनीति में देखी नहीं है। हमारी विचारों की लड़ाई हो सकती है पर ऐसी गंदी लड़ाई हमने पहली बार देख रहे हैं। हमारे लगभग 4 से 5 कार्यकर्ता घायल है, सबसे ज़्यादा चोटें हमारे महाराजन करके हमारे जूने कार्यकर्ता है, उनको गंभीर जख्म लगी है और अभी वो ICU में एडमिट है। उनकी स्थिति बहुत नाजुक स्थिति में है और 4-5 कार्यकर्ता अभी और एडमिट है। इस मामले में पुलिस ने एट्रोसिटी और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने तकरीबन 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आज जो रोहित वेमला है जो उसका समर्थनार्थ डेथ के समर्थनार्थ एक रैली निकली थी, वो रैली नेशनल फोरम की रैली थी। वो रैली में 101 लोग थे। वो रैली आज कुम्भारवाड़ा से 90 फीट से कक्या रोड जा रही थी। अभी कक्या रोड 7 बजे जा रही थी, जब भी एक ऑफिस से कुछ लोग काठी लेके बाहर आ गए, काठियाँ लेके लकड़ियाँ लेके बाहर आ गए और अटैक किया। जब भी हमने पुलिस ने इंटरफेयर किया और रैली आगे लेके आए और रैली समाप्त हुई। जो रैली के लोगों ने जो कंप्लेंट लिखी है उनके कंप्लेंट से हमने FIR दाखिल की है। 26 जनवरी के मद्देनज़र मुंबई हाई अलर्ट पर है, ऐसे में जहन में चंद सवाल उठने लाजमी हैं। सवाल ये कि बिना परमिशन लिए नेशनलिस्ट फोरम ने रैली ऑर्गेनाइज कैसे कर ली? बिना परमिशन रैली के मामले में आखिर पुलिस अब क्या कार्रवाई करेगी? क्या पुलिस रोहित वेमुड़े के समर्थकों के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ देगी? हालांकि रैली की परमिशन न मिलने की सूरत में आयोजकों ने पुलिस को रैली को लेकर इंटीमेशन दिया हुआ था।